नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महाभाग्य और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैसे तो ईश्वर की पूजा करने का कोई समय नहीं होता। आप जब चाहें ईश्वर को याद करें, उनके निकट जाएं, उनकी पूजा करें, वंदना करें, आराधना करें। लेकिन दो समय ऐसे बताए जाते हैं जब अगर ईश्वर की उपासना की जाए तो उस समय के प्रभाव से मन जल्दी एकाग्र हो जाता है और मन की मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो जाती हैं। एक समय होता है प्रातः काल का, सूर्योदय का समय, और एक समय होता है संध्या काल का, सूर्यास्त का समय। सूर्यास्त के समय को संध्या काल कहते हैं और संध्या काल की पूजा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। बहुत सारे मामलों में संध्या पूजा का कोई जवाब नहीं है। तो आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि संध्या पूजा का पूरा महत्व क्या है, इसके सिस्टम क्या हैं और किस तरह संध्या पूजा से लाभ होता है। क्या खास है महाभाग्य में, चलिए बताते हैं आपको। महाभाग्य में आज बात करेंगे कि संध्या पूजा क्या है और संध्या पूजा से किस तरह के लाभ होते हैं, कैसे संध्या पूजा करनी चाहिए ये जानेंगे और संध्या पूजा की सावधानियां क्या हैं इसको भी समझेंगे। तो महाभाग्य में आज हम बात करने वाले हैं संध्या काल के पूजा उपासना की और इसके महत्व की। सबसे पहले आज का मंत्र, आज का मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं व्यापार लक्ष्मी ह्रीं श्रीं फट। ओम श्रीं ह्रीं व्यापार लक्ष्मी ह्रीं श्रीं फट। बहुत अद्भुत मंत्र है और खास तौर से अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, अपने व्यापार के धन को, अपने कारोबार के धन को बढ़ाना चाहते हैं, इसका बेनिफिट चाहते हैं, तो इस मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर आप कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, तो रोज शाम को अपने व्यापार के स्थान पर बैठ करके घी का दीपक जला करके इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें, आपको और भी लाभ प्राप्त होंगे। सबसे पहले जानते हैं कि संध्या पूजन होता क्या है। भाई देखिए, अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू परंपरा की बात करें, तो तीन वेला की पूजाओं का विशेष महत्व है। एक है प्रातः काल की वेला, सुबह का समय, एक है दोपहर की वेला, दोपहर का समय, और एक है सायंकाल की पूजा, प्रातः काल, दोपहर और शाम की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। ये जो शाम की पूजा है, सायंकाल की पूजा है, ये सूर्यास्त के समय की जाती है, जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, धीरे धीरे दिन खत्म हो रहा हो, रात की शुरुआत हो रही हो, दो समय मिल रहे हों, सूर्यास्त का वो समय संध्या पूजा का समय होता है और इस समय के पूजा को संध्या पूजन कहते हैं। दिन भर के बाद संध्या पूजा करने से विशेष तरह के शुभ फलों की प्राप्ति की जा सकती है। दिन भर के काम के बाद शाम को थोड़ा सा समय निकाल करके अगर आप संध्या पूजा करें तो आपको विशेष तरह के फलों की प्राप्ति हो सकती है। और कुछ ऐसे विशेष पूजा भी हैं और कुछ ऐसे विशेष प्रयोग भी हैं जो केवल संध्या पूजा में ही किए जा सकते हैं, वो सुबह की पूजा में नहीं किए जा सकते। और ये प्रयोग संध्या पूजन में करना ज़्यादा फलदायी होता है। अगर संध्या पूजन में कुछ विशेष प्रयोग किए जाएं तो उसके विशेष लाभ हो सकते हैं। किस तरह के विशेष लाभ हो सकते हैं? अगर आप संध्या की पूजा करते हैं या संध्या का पूजन करते हैं तो उसमें किस विशेष तरह के फायदे हो सकते हैं? देखिए, जो लोग संध्या पूजा करते हैं, शाम के समय पूजा करते हैं, उनके घर में धन का कभी अभाव नहीं होता। जो लोग संध्या पूजा करते हैं उनके घर में धन का कभी अभाव नहीं होता। शाम को पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप दीपक जला करके शाम की पूजा करेंगे, आपको धन का अभाव कभी नहीं होगा। नियमित रूप से संध्या पूजा करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती।
जो लोग नियमित रूप से शाम के समय पूजन करते हैं, उपासना करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, ऐसा माना जाता है कि उनकी उम्र लंबी होती है और उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, उनको ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शनि देव और हनुमान जी की पूजा संध्या के समय विशेष प्रभावशाली होती है। अगर आप शनि के पूजन की बात करें तो दिन में भी आप चाहें तो करें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप शाम के समय शनि देव की पूजा करते हैं तो वो पूजा विशेष प्रभावशाली होती है, और संध्या के समय भी अगर आप हनुमान जी की पूजा करें तो उसका भी विशेष प्रभाव होता है। शनि की पीड़ा से मुक्ति के लिए संध्या पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर शनि की वजह से आपके जीवन में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो संध्या पूजन जरूर कीजिए। शनि से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त होगा। सवाल कर्ज का हो, रोग का हो और शत्रु से मुक्ति का हो, इसके लिए संध्या पूजा ज्यादा कारगर होती है। कर्ज मुक्ति के लिए, रोग मुक्ति के लिए और शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए संध्या पूजा ज़्यादा कारगर होती है, और ख़ास तौर से अगर आप शाम को पूजा नियमित रूप से करते हैं तो आपको कर्ज परेशान ही नहीं करेगा, आपके शत्रु और विरोधी आपको परेशान नहीं करेंगे, और निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा का ज़्यादा अनुभव आप कर पाएंगे। अब ये जानते हैं कि जो शाम के समय पूजा की जाएगी, जो संध्या पूजा होगी, उसकी विधि क्या है, उसका सिस्टम क्या है। संध्या पूजा सूर्यास्त के समय लगभग करना अच्छा होगा। सूर्यास्त के समय के लगभग अगर आप संध्या पूजा करते हैं तो उसके परिणाम ज़्यादा बेहतर होंगे। शाम हो रही हो, रात न हुई हो, ऐसे समय संध्या पूजन करना सबसे ज़्यादा उत्तम होता है। अगर आप स्नान कर लें तो बहुत ही सुंदर होगा, स्नान करके संध्या पूजन करें, नहीं तो ठीक तरीके से हाथ पैर मुंह पीठ अपने अंगुलियों को कंधों को अच्छी तरह से धो लें, यानी व्यापक शौच करके भी आप पूजा कर सकते हैं। इस समय की पूजा में, संध्या पूजा में दीपक जरूर जलाएंगे, और दीपक होगा शुद्ध घी का या तिल के तेल का, इसका दीपक जलाना आपके लिए बहुत शुभ होगा। इसके बाद सबसे पहले गायत्री मंत्र का जप करें। अगर कोई गुरु मंत्र है तो पहले गुरु मंत्र का जप करें या गायत्री मंत्र का जप करें, फिर जो कोई भी मंत्र आप जपना चाहते हो, फिर जो किसी भी मंत्र का आप जप करना चाहते हो, उस मंत्र का जप आप कर सकते हैं। शंख जरूर बजाएं, तीन बार या एक बार, तीन बार बजाएं तो ज़्यादा अच्छा है, शंख बजाएं और पूरे घर में या तो धूप बत्ती जलाएं या तो आरती करके आरती की जो अग्नि है उसको पूरे घर में घुमाएं। अगर ऐसा आप संध्या पूजन में नियमित रूप से करें, अगर ऐसा संध्या पूजा के समय आप रेगुलरली करें, तो निश्चित रूप से आपकी संध्या पूजा संपूर्ण होगी और संध्या पूजा का पूरा पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। अब ये जानते हैं कि संध्या पूजा की सावधानियां क्या हैं। संध्या पूजन तो आप करेंगे, उम्मीद यही करते हैं कि नियमित रूप से दो चार मिनट पाँच मिनट का समय निकाल करके अब हमारे हर भाई बहन शाम के समय पूजा जरूर करेंगे, संध्या पूजन जरूर करेंगे, लेकिन इसकी सावधानियां क्या हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो भी समझिए। संध्या पूजा के पहले कुछ खाइए नहीं। दोपहर के लंच में जो खा लिया वो ठीक है, अब ये नहीं कि पाँच बजे खाना खा रहे हैं फिर छः बजे पूजा करने जा रहे हैं। बेहतर होगा कि जो लंच में खा लिया सो खा लिया, उसके बाद संध्या पूजा कीजिए, उसके बाद अगर चाय पीनी है, बिस्किट खाना है तो खाइए। कोशिश करिए कि संध्या पूजा करने के तुरंत पहले कुछ ना खाएं, क्योंकि अगर आप संध्या पूजा के तुरंत पहले कुछ खा लेते हैं तो आपका पूजा में मन नहीं लगेगा। संध्या पूजा में आपके घर के जितने लोग शामिल होंगे, जितने लोग रहेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। संध्या पूजा में घर के जितने लोग शामिल हों, जितने लोग रहें, उतना ही ज़्यादा इसके परिणाम बेहतर होते हैं, उतने ही ज़्यादा इसके परिणाम अच्छे होते हैं। संध्या पूजा बिना दीपक के नहीं करनी चाहिए।
संध्या पूजा करने का अगर प्रश्न पैदा होता है, संध्या पूजा करने का अगर सवाल पैदा होता है, तो बिना दीपक जलाए हुए संध्या पूजा मत करें। संध्या पूजा में दीपक जलाने से ही माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आप आज भी देखेंगे कि गांव देहातों में या कई जगहों पर जब शाम को लाइट जलाई जाती है तो लोग प्रणाम करते हैं, या शाम को दीपक जलाते हैं तो लोग प्रणाम करते हैं, मानते हैं कि इस प्रकाश के माध्यम से हमारे जीवन में माँ लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। इसलिए संध्या पूजा में दीपक जलाना बहुत जरूरी है, या तो घी का या तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। संध्या पूजा के बाद जो घर में बनने वाला भोजन है वो भगवान को जरूर अर्पित करें। अगर प्याज लहसुन वाला भोजन बना हुआ है तो रोटी या चावल का थोड़ा सा अंश जिसमें प्याज लहसुन ना हो वो भी भगवान को अर्पित करके उसको प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप नियमित रूप से संध्या पूजा करें, शाम के समय भी पूजा करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग सुबह के समय पूजा करते हैं वो तो अच्छा है ही, लेकिन अगर संध्या के समय पूजा करें तो जीवन में बड़ी सारी उपलब्धियां प्राप्त होंगी और आप जीवन में बड़े बड़े बदलाव जरूर देख पाएंगे। अब संध्या पूजा के बारे में दो बातें और जानिए। बहुत सारे लोग गायत्री मंत्र का जप करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, सुबह भी पढ़ते हैं, दोपहर में भी पढ़ते हैं और संध्या काल को भी पढ़ते हैं। तो अगर आप गायत्री मंत्र की उपासना करना चाहते हैं और तीन वेला करना चाहते हैं तो सुबह भी जपेंगे, दोपहर में भी जपेंगे और शाम को भी जपेंगे। लेकिन मान लिया सुबह और दोपहर में आप नहीं जप पा रहे हैं और गायत्री मंत्र का पूरा फायदा नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसी दशा में रोज शाम के समय अगर आप गायत्री मंत्र का जप करें तो इससे भी आपको विशेष फायदे प्राप्त होंगे। इसीलिए अगर आप किसी कारणवश नौकरी की स्थितियों की वजह से या अन्य कारणों से सुबह की पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, लेकिन शाम की पूजा स्केप मत कीजिए, शाम को पूजा जरूर कीजिए। विशेष रूप से अपने गुरु मंत्र का जप करना या गायत्री मंत्र का जप करना संध्या पूजा में विशेष फलदायी होता है। और संध्या पूजा में आरती करने का भी विशेष महत्व है। कपूर जलाकर या पंचमुखी दीपक जला करके भगवान की आरती कीजिए। आरती सभी सदस्यों को ग्रहण करने के लिए कहिए और घर के हर जगह पर आरती की अग्नि को घुमाइए, आरती की अग्नि को टहलाइए। ऐसा करने से पूरे घर की निगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। जिन लोगों को ये शिकायत है कि हमारे घर में बीमारी बहुत रहती है या हमारे घर का ज़्यादातर पैसा बीमारियों में खर्च होता है, या ये शिकायत रहती है कि पति पत्नी में तालमेल नहीं रहता है, घर में कलह कलेश बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसे लोगों को संध्या पूजा जरूर करनी चाहिए। और अगर ऐसे लोग घर में नियमित रूप से संध्या पूजा करें तो घर की बीमारियाँ दूर होंगी, घर की निगेटिव एनर्जी दूर होगी, घर का कलह कलेश समाप्त होगा, घर के बच्चे बदमाशियाँ कम करेंगे और घर का संतान पक्ष और स्त्री पक्ष निश्चित रूप से बेहतर बना रहेगा। तो संध्या पूजा के कुछ फायदे ऐसे हैं जो अन्य किसी दशा में किसी पूजा में नहीं मिल सकते, इसलिए संध्या पूजा जरूर कीजिए।